चुनावी विसात बीत चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने प्यादे बदलने में लगी हुई है। ताजा मामला अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ हापुर लोकसभा से जो प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह को उतारा गया था, अब कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि उनका टिकट कटा जा रहा है। और ऐसे ही कई लोकसभा है जहां पर बदलाव नजर आया है समाजवादी पार्टी द्वारा। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं और क्या समझ पूरी लोकसभा को लेकर और वेस्ट यूपी की लोकसभा को लेकर रखते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार श्याम परमार जी हैं, कई बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं और वेस्ट यूपी की खास तौर पर कवरेज पर रहे और पॉलिटिकल ज्ञान काफी है। सर, आपसे जानकारी लूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार टिकट दे रही है और बदल रही है, क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है? वैसे तो सभी पार्टियों में इस तरह की स्थिति है कि सब एक दूसरे के जातिगत समीकरण को देखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका प्रत्याशी थोड़ा लेट निर्धारित हो ताकि जातिगत आधार वो सेट बैठा सकें। फिर भी कुछ पार्टी ऐसी होती हैं कि जो इस बात के लिए पहले से ही फेमस हैं कि वो कभी भी अपना प्रत्याशी बदल सकती हैं। समाजवादी पार्टी के भी उदाहरण पहले से रहे हैं, मुरादाबाद में भी पिछली बार एंड टाइम पे प्रत्याशी बदला गया था। तो यहाँ भी इसी तरीके की अभी बात चल रही है कि जब बीजेपी का प्रत्याशी निश्चित हो गया है और ये पक्का है कि भाई अब वो तो नहीं बदला जाएगा, तो दो ही पार्टी मेन ऐसी बचती हैं, सपा और बसपा, जिनमें ये गुणा भाग लगाए जा रहे हैं कि क्या रहेगा। इसके अलावा ओबीसी की पार्टी भी है जिसका जो भी प्रत्याशी है वो एक दो दिन में सामने आएगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। उसके हिसाब से फिर ये जो भी बदला जाना है टिकट, तो उम्मीद की जा रही है कि तब जाके सही सब अपने अपने समीकरण बैठाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो फैसला लेने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं? क्योंकि ये इसलिए सवाल उठता है, समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है और जब कोई फैसला ले लेती है पार्टी तो उसको बैक करना, एक तरीके से टिकट देकर काटना, तो जनता के बीच में एक गलत मैसेज जाता है। देखिए, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं लोकल प्रत्याशी नहीं उतारा, क्योंकि लोकल को अगर पहले उतारते और फिर उसको हटाते तो कहीं ना कहीं उसको फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता। इसीलिए जानबूझ के कहीं ना कहीं इसको, मतलब उनकी एक कमी के रूप में नहीं, उनकी एक स्ट्रेटेजी के रूप में देखा जाना चाहिए कि उन्होंने इसको एक चाल के रूप में चला है कि पहले एक दलित प्रत्याशी उतार दिया है, बाद में हो सकता है दूसरी कास्ट का उतारेंगे, ताकि दूसरे लोग उनकी इस चाल से भ्रमित होकर के अपने जातिगत सेटिंग बैठाएं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे तो उनकी एक चाल लगती है। और बाकी की लोकसभा में बात करें, बिजनौर में भी काटा है टिकट और फिर उसके बाद दूसरे जने को दे दिया, दीपक सैनी वहां से अब चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी मुरादाबाद हुआ है और ऐसी लग रहा है कि रामपुर में भी कुछ रहेगा, बदायूं में भी बदला टिकट। देखिए, कहीं ना कहीं ये चुनाव इस तरीके का है कि चाहे गठबंधन है या नहीं है, लेकिन चुनाव दो ही पार्टियों के बीच में हो रहा है, एक पक्ष और विपक्ष, तो इसलिए थोड़ा परेशानी तो हो रही है सभी पार्टियों के मुखियाओं को अपना आधार सेट करने में, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो अदला बदली कर रहे हैं। हमारे साथ श्री पाल तिवतिया जी भी हैं और काफी लंबे समय से ये भी पत्रकार हैं, कई चैनलों पे काम कर चुके हैं और वेस्ट यूपी की अब पकड़ रखे हुए हैं। तो वेस्ट यूपी की बात करें, सबसे पहले मेरठ की बात कर लेते हैं, क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में? अनमोल जी, सवाल बड़ा वाजिब है आपका कि क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि अकेली मेरठ सीट ही नहीं है और भी कई ऐसी वेस्टर्न यूपी की सीट हैं जहां देख रहे हैं कि अदला बदली हो रही है, उलटफेर हो रहा है, कार्यकर्ता असमंजस में हैं और खुद पार्टी हाईकमान भी असमंजस में दिखाई दे रहा है। और मेरठ की तो आप देख ही रहे हो क्या स्थिति है, मेरठ में जो तीन तीन विधायक हैं तीनों ही डेरा डाले पड़े हैं, लखनऊ में मुख्यालय घेरे पड़े हैं, शायद अखिलेश जी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं या जो भी कुछ है, और जो कैंडिडेट हैं वो भी असमंजस में हैं, वो भी लखनऊ में ही डेरा डाले पड़े हैं। इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो चुनाव का समय है, तो कहीं ना कहीं जो ऐसा लगता है कि इंडी ब्लॉक जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो चीज़ इन्हें लग रहा था जिन आधारों पर इन्होंने आपस में पैक्ट किया, शायद अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें उस तरह से सहेज नहीं पाएंगे, क्योंकि जैन जी तो इन्हें छोड़ के चले ही गए, एनडीए का हिस्सा वो हो गए हैं, और ऐसे में इंडिया ब्लॉक के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, ये समाजवादी पार्टी अच्छे से समझ रही है। और यही वजह है कि बार बार इन्हें अपने ही निर्णयों को बदलना पड़ रहा है और अपने ही जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं
जो सपा के पॉलिसी मेकर हैं उन्हें सोचना पड़ रहा है कि कुछ और किया जाए, कुछ और किया जाए। अपने आप ही अपने अंदर वो करेक्शन करने में लगे हुए हैं और कैंडिडेट तक को बदल रहे हैं। अभी यहाँ भी यही माहौल है, देख रहे हैं कि जो विधायक हैं उनमें कई विधायक टिकट मांग रहे हैं, एक पूर्व विधायक वो टिकट मांग रहे हैं, और भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं अब वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं दुविधा में है और पार्टी खुद भी दुविधा में है। दूसरा, जबकि एक बात और भी है कि अभी AIMIM की तरफ से यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, संभवतया घोषित हो या ना हो अभी नहीं कह सकते। तो ये इस मौके को भी देख रहे हैं कि एक अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि जब पिछली बार की अगर बात करते हैं जो गुना गणित ये लगा रहे होंगे, तो पहले भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब जीत तो वो गए थे, लेकिन जिस तरह से जीते थे वो तो सभी को पता ही है, सर्वविदित है, बहुत बड़ी कोई जीत नहीं थी, बस वो जीत गए थे। तो इस बार बीजेपी ने जहां यहां रामायण सीरियल के अरुण गोविल को यहां मौका दिया है, तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये कैंडिडेट मुफीद रहने वाला है, मतलब मजबूती इन्हें मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे एक अवसर की तरह से देख रही है, और शायद इसी वजह से मंथन चल रहा है। और जिस वक्त बिठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन लग रहा है गणित नहीं बिठा पा रहे हैं, गणित नहीं बैठ पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि कुछ और करेक्शन इसमें किया जाए, शायद इसीलिए देर हो रही है। नहीं तो ये तो वो टाइम है जब प्रचार करना चाहिए, विषाद बिच्छू की है वही, हाँ। कि अब तो चाल चलनी चाहिए, तो, कि तो पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए इस टाइम। अब ज्यादा समय थोड़ी ना है, अब तो कैंडिडेट को गांव-गांव जाना है, डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी चाहिए, इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा एरिया होता है और यहाँ तो दो जिलों की बात है। क्या आप श्याम वर्मा जी से इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है उनकी, अखिलेश यादव की। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास देखे वेस्टर्न में ठीक है, मुरादाबाद संभल में उनका दखल रहा है, लेकिन अगर हम अब जहाँ हैं यहाँ से और सहारनपुर तक, इधर ये कुछ गेन कर ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे मान के चल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में इनका जो कैंडिडेट है बहुत मजबूत है, है ना, हरेंद्र मलिक। हाँ, हरेंद्र मलिक बहुत मजबूत कैंडिडेट है, ऐसा माना जा रहा है। संजीव बालियान का भी विरोध देखने को मिल रहा है, संजीव बालियान जी का वहाँ विरोध तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्योंकि उनकी बालियान खाप है, हालांकि वो अपने लोगों को कितना सहज कर रख पाते हैं ये भी एक अलग बात है। अच्छा। दूसरा, जो मलिक खाप के जो गांव है, मलिकों के जो गांव है, वो भी 52 या और उससे ज़्यादा हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और दूसरा, उनके जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो बेटे विधायक हैं पंकज मलिक। दूसरा, ये बिल्कुल एकदम से तय था कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 का, तो इसी शर्त पे हरेंद्र मलिक गए थे सपा ने। हाँ, सपा ने वहां पर तो कैंडिडेट मजबूत उतार दिया, मेरठ में नहीं उतार पा रही है। अब बागपत की अगर बात करें तो बागपत में भी कहा जा रहा है कि कमजोर कैंडिडेट है, बिजनौर में बदल दिया है, मुरादाबाद में बिल्कुल एंड मोमेंट में जाके SCSN का कटा है, जो मौजूदा सांसद रहे हैं वहां पर। अनमोल जी, बात यह है कि समाजवादी पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि हम इस लड़ाई को अब कैसे लड़ें, क्योंकि जो इनके सहयोगी साथी हैं कांग्रेस, इन्हें पता है कि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं उस तरह से। बस एक चीज़ है कि जो एक वर्ग विशेष की वोट को ये अपना मान के चल रहे हैं कि ये इन्हें साथ लेंगे, सहेज लेंगे, इनके साथ आ जाएगा, उस तरह से देख पा रहे हैं। अगर वैसे जातिगत आंकड़ा अगर देखते हैं तो समाजवादी पार्टी के पास बहुत ज्यादा कुछ इधर है नहीं, बाकी होने के लिए कोई चमत्कार हो जाए, राजनीति है। तो आपको लगता है कि जैसे कि आपने बताया है कि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, RLD टूट के NDA में शामिल हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कि RLD के जाने से बहुत नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी? बहुत ज्यादा जो इन्होंने गेन किया 2022 के चुनाव में, जो ये विधानसभा सीट भी जीते कई और मिलके, अच्छा दोनों का प्रदर्शन सुधरा भी है। RLD तो देख रहे थे, एक विधायक था वो भी चला गया था, तो 0 से 9 पे आ गए, और समाजवादी पार्टी ने भी खूब गेन किया। लेकिन अब जो चीज़ें हैं इनके जाने के बाद, वो सहेज नहीं पा रहे हैं ये, क्योंकि इन पे कोई विकल्प है नहीं, और वेस्टर्न में आप ये पार्टी बिखरी हुई है, पार्टी में कहीं ना कहीं पार्टी तो बिखरी नहीं कहेंगे, लेकिन RLD का अगर साथ नहीं है तो ये तो तय है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ की सियासत में RLD का दखल है। RLD का अपना एक जो उनका एक वर्ग है जो उनके साथ रहता है, और ऐसे में अगर वो BJP के साथ हैं तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पहले भी कमजोर थी और ज्यादा कमजोर होने वाली है। आप दोनों के पास अभी फिर से आता हूं मैं। रिजवान जी हमारे साथ कई अखबारों में काम कर चुके हैं और काफी अनुभव लिए हुए हैं, कई फील्ड में भी काम कर चुके हैं, बीट अगर देखें तो क्राइम बीट, पॉलिटिकल बीट, सब पर इनकी नजर बनी रहती है। रिजवान जी, आप शहर विधानसभा से आते हैं जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, BJP उनके सामने चारों खाने चित हो जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या हो रहा है लोकसभा चुनाव में इनको? मेरा मानना तो ये है कि
अखिलेश यादव एक बहुत माइंडेड नेता है, तो उन्हें तलाश थी कि भाजपा और अन्य दल अपने अपने पहले कैंडिडेट खड़े कर दें, उसके बाद मैं आगे का एक्शन लूं। तो उन्होंने एक डमी कैंडिडेट को उतार के अपना स्टार्टिंग शुरू करी थी, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इनके मेन चीज ये है अनमोल जी कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनमें अंदर से ही फूट पड़ी हुई है। वही मैं इनसे सवाल जो किया था कि बिखराव हो रखा है पार्टी, बिखराव बड़ा है, अंदर से फूट है और सभी सब टिकट मांग रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि वो माइंडेड तो हैं, लेकिन अब वो खुद माइंड अपने अपने खुद को माइंडेड बनाने के चक्कर में और ज्यादा माइंडेड समझने के चक्कर में वो खुद फंस चुके हैं। अब अगर अपनी चाल में खुद फंसते जा रहे हैं। अब अगर वो टिकट किसको दें, अगर वो टिकट सरधना विधायक अतुल प्रधान को देते हैं तो उधर योगेश वर्मा नाराज हैं, अगर वो योगेश वर्मा को देते हैं तो इधर शाहिद मंजूर नाराज हैं। तो एक ऐसी चाल में वो फंस चुके हैं और उनके कैंडिडेट तो नाराज हैं ही हैं, लेकिन ये फंस भी चुके हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा ने जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को यहाँ उतारा है अरुण गोविल के नाम पे, वो ठीक है, उसने स्ट्रॉन्ग है, वो तो पैराशूट लैंडिंग है, वो नहीं नहीं वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। अखिलेश जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है और इसको रोकने के लिए उन्हें पहले कड़ा मंथन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने कैंडिडेट का चयन करेंगे। और लगता है बार बार खबर आ रही है, हालांकि फेक खबर चल रही है, काफी चल रही है कि अतुल प्रधान का हुआ, कभी ठीक योगेश वर्मा का हुआ, लेकिन ये सभी खबरें जो है जल्द विराम ले लेंगी। तो एक कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं समाजवादी पार्टी डर भी चुकी है। अब तक जब जिस समय हम यहाँ पे ये शूट कर रहे हैं तब तक ये चर्चा है सूत्रों के हवाले से कि भानु प्रताप सिंह का जो टिकट हुआ था वो कट रहा है, और जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता विधायक बैठे हुए हैं और वो इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है, हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। श्याम वर्मा जी के पास आते हैं, जैसे रिजवान जी ने बताया कि अरुण गोविल मजबूत कैंडिडेट है, तो आपको लग रहा है कि अरुण गोविल की वजह से टिकट काटे जा रहे हैं मेरठ की? देखिए, मजबूत वो भले ही पॉलिटिकल नहीं रहे हैं, एकदम नए, लेकिन अगर किसी एक आम आदमी से ये पूछा जाए कि भाई बीजेपी की इस पिछले 5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं, तो वो कहेगा राम मंदिर। तो राम मंदिर की वजह से जब एक राम के किरदार को यहाँ उतारा है तो वो अपने आप में एक मजबूत बात हो गई है। जो राम के भक्त हैं उन्हें लगता है कि शायद बीजेपी ने एक उनके सामने एक ये जिम्मेदारी दी है कि भाई देखो तुम्हें राम मंदिर दिया, तुम मुझे राम को जिता करके दो। अच्छा। कहीं ना कहीं वो एक जो धार्मिक भावना है, और ये सभी जानते हैं, सारे दल इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि धार्मिक भावना हमारे देश में पिछले कई सालों से बहुत मजबूत काम करती है, पूरा रोल प्ले करती है। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं इस चीज पर काम कर पा रही है? अब तो उनके सामने एक ऐसा मुद्दा मेरठ की अगर बात करें कि अब तो उन्हें उससे फाइट करने के लिए अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ रहा है। जहां तक बात भानु प्रताप वाली है तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने यदि मेरठ के 4 दावेदारों में से किसी एक को देते तो 3 नाराज होने थे, तो उन्होंने एक तीर से कई शिकार खेले। एक तो जातिगत आधार पे पहला एक डमी कैंडिडेट उतारा ताकि बाद में बदला जा सके, दूसरा मेरठ वालों के सामने एक बाहर का उतार दिया, सबने जाके कहा कि जी भारी दे दिया, भारी दे दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है तो भाई तुम 4 में से आपस में तय कर लो किसको दे दूं, मैं उसे दे दूंगा भारी को कसम करके। तो मान लिया वो 4 खुद तय कर लेते हैं तो वो जो 3 विपक्ष में मतलब विरोध में जाते वो भी बच गए और उनका काम भी हो गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चाल में मतभेद भी खत्म हो जाएंगे, इस तरीके से मैनेज करने वाली मैनेज करा जा रहा है सारी चीजें। आपको लगता है इसके पास जी कि ये मैनेज की जा रही है अखिलेश यादव द्वारा कि पार्टी में बिखराव ना हो, क्योंकि बड़े नेता है शाहिद मंजूर भी, अतुल प्रधान भी, योगेश वर्मा भी? अनमोल जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैनेज की जा रही है चीजें, लेकिन मुझे ये लगता है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इस लड़ाई को जीता जाए और ऐसा क्या हो कि कुछ सीटें वो वेस्टर्न में पा जाएं, क्योंकि चाहे पिछली बार की बात हो चाहे उससे पिछली बार की बात हो, 5-5 का आंकड़ा ही ये छुपाए हैं, इनसे आगे पिछली बार तो BSP रही 10 सीट पा गई। तो इनका जो लक्ष्य है वो ये है कि हमें सीट ज़्यादा कैसे मिलेंगी, क्योंकि अब इनके साथ RLD नहीं है, अब इनके साथ कांग्रेस है, और ऐसे में ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो एक ध्रुवीकरण कम से कम हो, और जो माना जा रहा है कि अभी जिस तरह से AIMIM का कैंडिडेट यहाँ नहीं आया है तो इन्हें लगता है कि अभी हम बहुत कुछ यहाँ गेन करने की स्थिति में है, क्योंकि ठीक है बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिए हैं और उसके बाद जिस तरह के अभी यहाँ के हालात बन रहे हैं तो बीजेपी के लिए भी सीट आसान नहीं है।
लेकिन बशर्ते कि समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत सोच विचार के अपने कैंडिडेट को लेके आगे बढ़े। दोनों साथ के खड़े हुए कह रहे हैं कि अरुण गोविल मजबूत कैंडिडेट है, आपको क्यों नहीं लग रहा है सर? देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनके कैंडिडेट मजबूत हैं, लेकिन यही अरुण गोविल पहले कांग्रेस के लिए प्रचार कर चुके हैं। अच्छा, जीरो गेन करा था इन्होंने तब वहाँ पे इलाहाबाद में और कई एरिया में ये प्रचार भी करे थे, कुछ नहीं पाया जनता। लेकिन अब अगर बात जाएगी तो फर्क पड़ेगा कुछ आपको लगता है? नहीं, फर्क तो इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब जो एक माहौल जो है इस वक्त, क्योंकि जो 22 जनवरी के बाद जो माहौल हुआ, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें जिस तरह से पूरा कार्यक्रम हुआ और उसके बाद अरुण गोविल को वहां बुलाया गया और फिर एक उनका अपना ऑरा है, आभा मंडल है, क्योंकि ये बात सही है कि जिस तरह से जो उन्होंने रोल अदा किया भगवान श्री राम का, उन्हें उसी प्रतिमूर्ति के तौर पर लोग देखते भी हैं, तो फायदा हो सकता है बीजेपी को हो। लेकिन हम जो जातिगत आंकड़े होते हैं, बाकी जो कैलकुलेशन होती है किसी भी लोकसभा क्षेत्र की, आप ये बताइए, मैं भी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि बीजेपी ने बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग कैंडिडेट यहाँ उतारा है, लेकिन आप ये बताइए क्या बीजेपी का कोई नेता भले ही ये ना बोले, भले ही मतलब फेवर भी कर रहा हो और देख रहे हैं मंच पर भी योगी जी आए तो सारे लोग वहाँ साथ थे, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मनमुटाव ना हो? कोई भी पॉलिटिशियन जो 5 साल तक झंडे उठाता है और नारे लगाता है, सांस फूलती है उसकी, वो भाग दौड़ करते हैं, अपना पेट्रोल खर्च करते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, बैठक में जाते हैं, गैदरिंग करते हैं, उनके VIP आ रहे हैं, उनके लीडर्स आ रहे हैं तो वहाँ दल बल के साथ जा रहे हैं, आखिर क्या वो एक दूसरे के लिए झंडा उठाते हैं? उन्हें कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि एक दिन हमें भी अवसर मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे में जो एक बाहर से कैंडिडेट आता है, जो समाजवादी पार्टी के साथ भी दिक्कत है, पार्टी के साथ भी दिक्कत है, वही भाजपा के लिए भी यहाँ दिक्कत अंदर खाने है, भले ही वो बातें निकल के ना सामने आए क्योंकि वो सत्ता में है। मुझे ऐसा लगता है। रिजवान जी सहमत हैं आप इस बात से? हाँ सही है, तेवतिया जी कह रहे हैं सही है, काफी हद तक सही है, लेकिन मुझे लग रहा है, देखिए तेवतिया जी कह रहे हैं कि राम कोविंद जो है वो स्ट्रोंग नहीं है, मैं मानता हूं आज की डेट में भाजपा अरुण गोविल जो है वो स्ट्रोंग है, आज की डेट में उनकी टक्कर उनको टक्कर देने वाला समाजवादी पार्टी में नहीं है, बसपा में नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात तो है, अखिलेश यादव भी बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे क्योंकि उन्हें देख रहा है कि ये सीट निकालनी अब बहुत मुश्किल है। पहले भी तो थी मुश्किल, अगर देखा जाए तो 2 बार के सांसद को 3री बार मौका मिला था लेकिन 4700 प्लस वोट ही मिल पाए थे, वो तो बहुत कम मार्जिन होता है। 4700 प्लस मिले तो थे, बार बार 3 बार रिपीट हो रही है सरकार, 3 बार रिपीट हुई है तो 4थी बार रिपीट क्यों नहीं हो सकती, जबकि उनका कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है यहाँ तो क्यों नहीं हो सकती? मेरा मानना है कि भाजपा तो क्लियर है, ठीक है, ये जनता के बीच की बातें बता रहे हैं, ये हम जनता के बीच की ही मैं बात बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी अगर अपने कैंडिडेट को यहाँ उतारेगी, अगर बदलती है तो वो बहुत सोच समझ के बदलेगी क्योंकि जाति, समझ गए आपकी बात को। तो ये थे यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जिनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जो टिकट बदलने का काम कर रही है, कुछ ने ये कहा कि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है और कुछ ने ये माना कि कहीं ना कहीं दबाव में है और इसी के चलते हुए जो दबाव है समाजवादी पार्टी के ऊपर और बैकफुट में आती हुई नजर आ रही है। हालांकि मिक्स ये राय है और वक्त बताने वाला है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या थी और किस तरीके से ये चुनाव समाजवादी पार्टी आगे लेकर जाने वाली है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।